अलवर शहर में गंदगी और आवारा पशुओं को लेकर एडीएम फर्स्ट को डॉक्टर पंकज गुप्ता ने ज्ञापन दिया। अलवर में फैली हुई गंदगी और कूड़े के अंबार, सड़कों पर आवारा पशुओं को लेकर ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता जिला कलेक्टर में मिलने गए, लेकिन कलेक्टर के वीसी में बिजी होने के कारण उन्होंने ज्ञापन एसडीएम फर्स्ट को दिया। इस मौके पर डॉक्टर पंकज गुप्ता ने गोपाल टाकिस के सामने गंदगी के ढेर, आवारा पशुओं और इंदिरा कॉलोनी में कूड़े का ढेर से अवगत कराया, साथ ही शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू करवाने की मांग की है। काफी समय से अलवर की जो सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमा चुकी है और जो है अलवर के जितने भी नुमाइंदे हैं कोई अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। जिस भी रोड पर आप जाओगे कूड़े का ढेर और आवारा पशुओं का अंबार, छोटा सा शहर है लेकिन इसको नरक बना के रख दिया है। सारे इसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी और सरकार और जितने भी नुमाइंदे सब शामिल हैं। मैं यहाँ की जनता से निवेदन करता हूँ, अगर आप नहीं बोलोगे और मैं नहीं बोलूंगा तो इसकी जिम्मेदारी आपकी और हमारी सबकी है। तो क्या हमें इसमें नहीं बोलना चाहिए? क्या आपको अपराध बोध नहीं होता कि मेरे शहर के संग कितना अत्याचार और अन्याय हो रहा है? आपको बोलना पड़ेगा और बोलना चाहिए। मैं आज कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आया हूँ और निवेदन करता हूँ कि इसके ऊपर हम सब मिलकर कार्रवाई करें, हम सब मिलकर इकट्ठे हों और सरकार को इसके लिए जवाबदेह बनाए। और हमको ये करना पड़ेगा कि ये जो सरकार है ये इसमें एक्शन लेवे, कलेक्टर साहब एक्शन लेवे और सब लोग इसमें एक्शन लेवे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया मेरे साथ आए और शहर को साफ करने में, अपराध मुक्त बनाने में आप हमारी मदद करें।